फर्नांडिस है और मेरी पत्नी है जेन फर्नांडिस। हम लोग मुंबई से हैं मगर अभी दुबई में रहते हैं, तो यहाँ कश्मीर देखने आए हैं। द एक्सपीरियंस हैज़ बीन लवली। श्रीनगर में थे, हाउस बोट पे थे, हमने पहलगाम देखा, बहुत अच्छा लगा। बाद में गुलमर्ग गए, दैट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। ये पहलगाम में हमने वो ट्रैकिंग किया, व्हाट इज़ दैट प्लेस, शिकारगढ़, राइट, यस एंड ग्रीन वैली। दैट वाज अ लवली एक्सपीरियंस इन द स्नो ऑन द पोनीज। और बाद में हम गुलमर्ग गए और तंगमर्ग में रहे, वंडरफुल होम स्टेज, वंडरफुल कर्टसी रिसेप्शन। और हम स्नो में रहे काफ़ी समय, वो स्लेडिंग किया, स्कीइंग किया। दिस इज़ अ वंडरफुल प्लेस, दिस इज़ आज अ आज हम यहाँ पे आए बादामवाड़ी। इट्स अ ब्यूटीफुल गार्डन, इट्स अच्छा वंडरफुल गार्डन। मेंटेन भी किया हुआ है और सीनरी एकदम इट्स अमेजिंग। ये फूल सब इतने अच्छे लगते हैं, बादाम के फ्लावर्स है ना। And we हाँ participated हाँ in the local tradition. We wore the traditional costume and took some snaps. That was a very nice experience. Our local culture of food and हमने वाजवान भी टेस्ट किया है, it was very इट वॉज nice. It was very अमेजिंग। nice. यस Lovely place. More people should come and हाँ enjoy the natural scenic beauty. And God bless Kashmir. Yes, यहाँ के लोग तो बहुत दे आर वेलकमिंग, वेरी हॉस्पिटेबल वेरी है, टूरिस्ट वेरी 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 फ्रेंडली, टूरिस्ट हाँ वेरी फ्रेंडली है टूरिस्ट के लॉट ऑफ तरफ। कर्टसी, लॉट ऑफ क्लोजनेस, लॉट ऑफ फ्रेंडलीनेस। दे गो आउट ऑफ द वे टू टेक केयर एंड बी एंड गाइड यू एंड हेल्प यू। वी हैड अ वंडरफुल एक्सपीरियंस इंटरेक्टिंग विद लोगों से, मिल के बहुत अच्छा लगा। हम व्हाट इज दैट फर्स्ट गार्डन वी सो इन निषद गार्डन, निषद गार्डन वाज वेरी नाइस। ये भी गार्डन खूबसूरत है और अच्छी तरह से मेंटेन किया हुआ है। ये गार्डन्स बहुत अच्छी तरह से मेंटेन किया है। एटलीस्ट अभी यहाँ ग्रीनरी ज़्यादा लग रहा है, वहाँ यहाँ थोड़ा पे कम हाँ था, यहाँ पे अच्छा मगर है, ये तो ये सच गार्डन और भी अच्छा सच लग रहा है उस गार्डन से, मगर इट्स बीन मेंटेन्ड वेल। काफ़ी अच्छा मेंटेन किया है, सब सब पब्लिक के लिए जो फैसिलिटीज़ हैं अच्छा मेंटेन किया और है। ऐसे ही रहनी चाहिए। स्पेशली टूरिज्म प्रमोट करना है तो सिविक सेंस और सैनिटेशन में ध्यान देना है, क्लीन सिटी क्लीन रखनी है, तभी और टूरिस्ट आएंगे और फॉरेनर्स भी आएंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक सर, यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स थैंक फॉर यू, टॉकिंग टू अस, बाय बाय। थैंक यू वेरी मच। जी मेरी आज वापसी है, मेरा कुछ दिनों से रह गया मेरा। ये तो पहली बार आया आज, आप तो पहली बार आया। अस्सलाम वालेकुम, मैं दिल्ली से आई हूँ और मेरा नाम दीपिका है और मैं कश्मीर आती रहती हूँ और स्पेशली यहाँ का जो नेचर है, यहाँ की जो वादियाँ हैं, यहाँ हर चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर है और कश्मीर सच में जन्नत है और जैसा किताबों में लिखा है और जैसा लोग बोलते हैं, मेरे हिसाब से हर इंसान को, हर शख्स को कश्मीर ज़रूर आना चाहिए अपने लाइफ टाइम में। उनको यहाँ आके बहुत 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 अच्छा लगेगा। हाँ आज सुबह सुबह मुझे मौका मिला तो आने का यहाँ पर और मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर। और ये जो फ्लावर्स हैं, इसके हमारे यहाँ पर आर्टिफिशियल फ्लावर्स मिलते हैं और आई एम वेरी लकी कि मुझे ये नेचर का, कुदरत का करिश्मा देखने का मौका मिल रहा है। और इतने सारे बादाम के पेड़ हैं यहाँ पर, जो विश्वास ही नहीं होता कि इनसे इनसे निकले हुए बादाम ही हम खाते हैं। तो सही में ये कुदरत का करिश्मा है और शायद इसीलिए जन्नत बोलते हैं। टूरिस्ट को मैं यही कहना चाहती हूँ कि एटलीस्ट एवरी इंडियन, जो लोग स्विट्ज़रलैंड प्रेफर करते हैं या जो कनाडा जाना प्रेफर करते हैं या जिनको नेचर पसंद है या जो लोग अपना काम में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, अपनी लाइफ को जी नहीं पा रहे हैं, तो उनको टाइम निकाल के ज़रूर ज़रूर आना चाहिए। और यहाँ आएंगे तभी फील कर पाएंगे कि कश्मीर असलियत में क्या है। आप किताबों में पढ़ सकते हैं, आप न्यूज़पेपर्स में पढ़ सकते हैं, सब जगह पढ़ सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है, ऑल थैंक्स टू कश्मीरीज जो यहाँ पर बहुत ही वॉर्म हैं, बहुत ही जेनरस हैं और बहुत ही हेल्पफुल हैं। यहाँ आके लगता ही नहीं है कि आप किसी दूर जगह आए हुए हो। और जो भी मीडिया या इधर उधर से कुछ भी न्यूज़ आप सुनते हैं वो सब गलत है, ये जगह बिल्कुल सेफ़ है,
यहाँ आप अपनी फैमिलीज़ के साथ आइए और इन्जॉय करिए। बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी साफ़ सफाई है और यहाँ पर रेगुलर मैंने अभी अभी देखा सुबह जैसे 7:30 का टाइम है, इतनी जल्दी आए हुए हैं यहाँ पर वर्कर्स और वो ग्रास कटिंग हो रही है और ट्रीज़ की प्रूनिंग हो रही है और देख के आसपास कोई भी चिप्स का पैकेट या कुछ भी ऐसा नहीं है, जगह जगह पे डस्टबिन्स लगे हुए हैं। तो सच में ये जगह नेचर लवर्स के लिए तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी जगह है। थैंक यू। ना, आई एम विजिटिंग बादामवाड़ी और राधा कश्मीर फॉर द फर्स्ट टाइम। बादामवाड़ी बहुत ब्यूटीफुल है, थोड़े थोड़े ब्लूम्स आ गए हैं यहाँ पे, तो ये बहुत प्रिटी है। इनफैक्ट मेरा ट्यूलिप गार्डन मिस हो गया तो उसकी कमी बादामवाड़ी ने पूरी कर दी है मेरे लिए। यहाँ पे व्यूज़ इतने अच्छे हैं, पीछे माउंटेन्स के व्यूज़ हैं और यहाँ नदी भी है जो कॉर्नर से दिख रही है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। नेचर का साउंड है एंड इट्स वेरी पीसफुल, बहुत मज़ा आया मुझे। आज वापसी है मेरी, वापसी के पहले मैं एक सुकून भरा दृश्य लेके जा रही हूँ अपने साथ। तो मैम क्या? जी मैं पहली बार आ रही हूँ यहाँ पे। तो मैम बहुत अच्छा लग रहा है, इट इज़ वेरी कामिंग, इट इज़ वेरी सूदिंग, इसे आँखों को नज़ारे से बाहर है, ऐसे एकदम मन खुश हो गया ये देख के, बहुत अच्छा लग रहा है। कश्मीर एक जन्नत है, एक बार तो आना ज़रूर बनता है। मैं मेरा एक बार हुआ है मैं, लेकिन मैं फिर से ज़रूर आऊँगी, इस बार स्प्रिंग में आऊँगी मैं प्रॉपर। बट यस, कश्मीर हर सीज़न में विज़िट करना, आई वुड से इट्स हाईली रेकमेंडेड। थैंक यू। यहाँ का माहौल अच्छा है लेकिन पूरा फुल ब्लूम तो नहीं हुआ है अभी, लेकिन जितना हम लोग देखे हैं हमारे लिए नया है, नया अनुभव है, अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा एरिया है। जी सर जी, कश्मीर पे पहली बार आए हैं। बहुत ही बढ़िया है, यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं, खाली टूरिस्ट प्लेस में थोड़ा दिक्कत होता है हम लोगों को, बाकी यहाँ है बहुत ही अच्छे लोग हैं, दिल के बहुत ही नेक हैं, साफ हैं। टूरिस्ट लोगों के लिए वो आए यहाँ के एंजॉय करें, यहाँ के नज़ारे जो हम बोलते हैं कि धरती का स्वर्ग है, ये असल में यही है। जहाँ भी देखें हरियाली है, खुशहाली है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ के आने में। बहुत नीट एंड क्लीन है यहाँ के जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है या फिर जो गाइडेंस है बादामबाड़ी के, उन्होंने बहुत ही अच्छा मेंटेन किया रहा है, बहुत ही साफ़ सुथरा है, हमको बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आके। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।